हे माई स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट पीपल, वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना। यहाँ पर मिलेगी आपको इंडिया और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट, क्विक रिव्यू, प्रेडिक्शन, एनालिसिस। आज हम बात करते हैं अजिंक्य रहाणे की। एडिलेड ओवल में 36 रन के प्रदर्शन के बाद किसी को भी यकीन नहीं था कि टीम इंडिया ऐसा शानदार कमबैक करेगी, क्योंकि ना तो टीम के पास कप्तान विराट कोहली है और ना ही मोहम्मद शमी। ऐसे में एक अधूरी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देना बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा था। विराट के जाने के बाद कप्तान बने अजिंक्य रहाणे ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऐसा शानदार प्रदर्शन किया है कि भारतीय टीम दो मैच में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। इस मुकाबले में इतने शानदार प्रदर्शन के बाद रहाणे को चारों तरफ से तारीफें ही मिल रही हैं। युवराज सिंह, हरभजन सिंह समेत टीम इंडिया के कई स्टार्स ने उनकी तारीफ की। आज का पूरा दिन रहाणे का नाम रहा, इसलिए उनकी तारीफों के साथ साथ बहुत सारे आंकड़े भी सामने आए। आइए नजर डालते हैं आज के मैच में बनाए रहाणे के रिकॉर्ड्स और स्टेटस पर। अजिंक्य रहाणे सचिन तेंदुलकर के बाद एमसीजी में शतक बनाने वाले भारत के दूसरे कप्तान बने हैं। रहाणे से पहले सचिन ने 1999 में एमसीजी में शतक बनाया था। वहीं रहाणे ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने वाले 5 कप्तानों की लिस्ट में भी आ गए हैं। रहाणे से पहले अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में शतक बना चुके हैं। एमसीजी में एशिया से आकर शतक बनाने वाले सिर्फ 4 कप्तान हैं, जिनमें रहाणे का नाम भी जुड़ गया है। हनीफ मोहम्मद, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद यूसुफ के बाद अब रहाणे ने भी एक कारनामा कर दिया है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 82 रनों की अहम बढ़त ले ली है। कप्तान रहाणे के साथ रविंद्र जडेजा क्रीज पर मौजूद हैं। ऐसे में तीसरे दिन भारत इस बढ़त को और बड़ी करना चाहेगा। फॉर मोर वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड।